वीडियो में मैं आपको राहुल वैद्य और दिशा पारमा की शादी में रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला क्यों नहीं आए इसके पीछे का रीजन बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अभिनव शुक्ला और राहुल दोनों ही बिग बॉस के घर में थे। यहाँ पर दोनों के बीच में मतभेद देखने को भी मिला था। बिग बॉस 14 के फर्स्ट रनर अप राहुल वैद्य और एक्ट्रेस दिशा पारमा की शादी टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। उन्होंने 16 जुलाई को अपनी शादी के बंधन में वो दोनों बन चुके हैं। आपको बता दें कि उनकी शादी में बहुत क्लोज फ्रेंड्स और उनके फैमिली मेंबर्स ही नजर आए, पर इसी के साथ फैंस ये जानने के लिए भी एक्साइटेड है कि क्या बिग बॉस 14 के जो विनर रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला इनकी शादी में आके शामिल क्यों नहीं हुए। अब स्पॉट बॉय से बातचीत के दौरान अभिनव शुक्ला ने रिएक्ट किया है। जब अभिनव से पूछा गया कि वो राहुल और दिशा की शादी अटेंड करेंगे, उनके फंक्शंस अटेंड करेंगे कि नहीं, तो उस स्पीच में अभिनव ने कहा, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कुछ काम से शहर से भी बाहर हूँ, तो इसलिए मैं ये अटेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, राहुल और दिशा दोनों को ही शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि अभिनव शुक्ला और राहुल दोनों ही बिग बॉस 14 के घर में थे। यहाँ दोनों की मतभेद देखने को मिला था। अब दोनों ही स्टार्स को शो खतरों के खिलाड़ी में भी देखा जाएगा। खतरों के खिलाड़ी 17 जुलाई से शुरू हो चुका है। अपने बदलते रिश्ते के बारे में अभिनव ने कहा, हाँ अब जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो अच्छे से मिलते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हम दोस्त हैं, लेकिन अब हमारे बीच कुछ बुरा भी नहीं है। बता दें कि पहले जब राहुल वैद्य से ये सवाल किया गया था तो वो अपनी शादी में रुबीना और अभिनव को बुलाएंगे, तो उन्होंने डिप्लोमेटिक जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, अभी बहुत सारी बंदिशें हैं, ईमानदारी से कहूँ तो मैं सभी को बुलाना चाहता हूँ। खतरों के खिलाड़ी से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें मैं बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अब शादी में केवल 50 लोगों की ही परमिशन है। मेरे रिलेटिव्स भी हैं, बाकी अब हम गेस्ट लिस्ट बना ही रहे हैं। जब दोनों से ही स्पॉट बॉय ने पूछा गया तो दोनों के कुछ इस तरह से रिएक्शन थे। आप लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, आप लोग नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए कि आप इसे अभी भी इनकी बिग फाइट मानते हैं या फिर अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है और दोनों अपने अपने बिजी शेड्यूल की वजह से शादी अटेंड नहीं हो पाए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आप लोग हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।